अलावा माउंटेन्स की हम टिप पे, जिसको पीक बोलते हैं, वहाँ पे जाएंगे। वेलकम टू द मानसन माउंटेन, आप में ही बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर चढ़ेंगे। हम गए थे शिवांश, हम गए थे ना हाटू पीक, ट्रैक करते हुए ऊपर जाएंगे और देखेंगे मानसन माउंटेन का नजारा। व्यू भाई एक नंबर व्यू है, मस्त है। वाओ, दिस इज प्योर हेवन। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा पहला व्लॉग है ये कनाडा में। देखो गाइस, पापा कार धो रहे, मम्मा खड़े। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ। तो मैं आप सबका दोस्त अमित मोहन, आज मेरी वाइफ और मेरा बेटा पहली बार मेरे साथ घूमने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पे, एक है मानसन माउंटेन्स, ऐसे पासेज होते हैं, रोहतांग पास हो गया, चांगला हो गया, ऐसे नाम है जो मैं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी दूर मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है, बहुत ऊंचाई पे, बहुत हाइट पे एक पीक है जिसको हम बोलते हैं मानसन माउंटेन। वहां पे जाएंगे, वहां से पूरे शहर का व्यू दिखता है। नहीं कर सकते तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये शूट कर रहे हैं अभी आपको। व्यूज एंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत। सामने आप घरों की बनावट, बीच, ये जैसे हम इंडिया में बोलते हैं पतझड़ सीजन आ गया है, ये पतझड़ का सीजन है। यहाँ पे अभी स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, हो चुकी है, कल भी हुई थी। तो उसके बाद सारे ये पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं और फिर जब नया समर आता है, समर शुरू होती है, तब आते हैं इन पे पत्ते हरियाली, बट वो उतने लश ग्रीन नहीं होते जितने हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं। तो आप थोड़ी देर व्यूज एंजॉय कीजिए, अभी 5-7 मिनट में मैक्सिमम 3 GPS दिखा रहा है, तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे जी मानसन माउंटेन। हुआ माउंटेन की हम टिप पे, जिसको पीक बोलते हैं, वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके आपको शहर का नीचे का रास्ता दिखाएंगे। बहुत ही मजा आ रहा है, ये 10 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए। शहर का नाम पेंटिकटन है, लेकिन पेंटिकटन का मुझे पी भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल नहीं घुमा हूँ, सिर्फ काम काम से घर, घर से काम। अभी मेरी वाइफ और मेरा बेटा आए हैं तो इनके साथ आज घूमेंगे। तो ये हमने अभी माउंटेन्स की जो चढ़ाई है हल्की बहुत बहुत वो शुरू कर दी है। ये सामने देखिए, सामने आप व्यू बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छी रोड है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। कल हालांकि यहाँ पे स्नोफॉल होके हटी है, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छी बहुत लगती है, लेकिन स्नो कंडीशंस में ड्राइव करना इज क्वाइट रिस्की। ये देखिए जी, वेलकम टू द मानसन माउंटेन, आप देख रहे हैं, ये सामने व्यू देखेंगे आप। तो इसका जो रास्ता है वो अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर चढ़ेंगे। हम गए थे शिवांश, हम गए थे ना हाटू पीक, हाँ, वैसा रास्ता है ना, रास्ता थोड़ा बहुत ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे को इसमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि ना हाटू पीक का एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, क्योंकि हाटू पीक में दोनों तरफ मतलब खाई थी। ये हम पहुंच गए, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है। अभी यहाँ से हम वो ऊपर की तरफ दिखाऊंगे, ट्रैक करते हुए ऊपर जाएंगे। और पापा इसके बाद हमने नारा माता माउंटेन जाना है। हाँ, पहुंच गए हैं जी मानसन माउंटेन, अभी यहाँ पे पार्क में गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और ये आप सामने का नजारा देख सकते हैं। पहले तो मुझे मजा इतना आ रहा है कि अभी आईफोन से शूट कर रहे हैं, क्या बात है जी। अभी ये चश्मा उठाएंगे, आप दिखाते हैं आपको नजारे बाहर के। ये है मानसन माउंटेन, ये मेरा बेटा। हम जाएंगे इसके बाद नारा माता। पहले भी व्लॉग्स बनाता था, लेकिन इससे क्लैरिटी एक अलग ही लेवल की है, व्लॉग्स आपको काफी अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। ये सामने मेरी वाइफ बैग में से कुछ लेने गई है, बैग में हम लेके आए हैं लंच अपना पैक करके, और साथ में ये जो डॉगी खड़ा था ना। ये पहुंच गए हैं जी ट्रैकिंग करते हुए। ये कुछ वहां से हम लोग आए हैं और वहां गाड़ी पार्क करी है और हमने वहां पे जाना है। इधरों इस साइड तो चलो, मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे कनाडा को। ये वहीं से जाएंगे, हम साथ आया बचपन से ही बहुत अच्छा है, तो इसके साथ घूमते हुए आपको भी दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे। कनाडा को एक्सप्लोर 110% करेंगे, बहुत बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चैनल का नाम है एक्सप्लोरिंग लाइफ 1214।
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या अच्छा लगता है व्लॉग में क्या नहीं। बहुत ही अच्छा दिन चल रहा है, धूप खिली हुई है और अभी आपको आगे वहाँ पे हमने जाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा नज़ारा जिसको देखने के लिए हम 10-15 किलोमीटर दूर आए हैं। एक से 2 मिनट में बाइक मेरा बहुत ज़्यादा दिखाते हैं असली पेंटिकटन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। बहुत ही स्वर्ग है, अभी देखना व्यू। वाओ, दिस इज प्योर हेवन। ये इसने बैग गिरा दिया था अभी। या यू आर 100% राइट मैं शांत। ये है ओकानागन लेक। ये कुछ वहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये बीच है जो नीचे मैंने एक बार अपने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया है। ये जो सारा इलाका है ये सामने, यहाँ से निकल के जाते हैं हम नारा माता की तरफ। जो वाइन यार्ड्स हैं वो यहीं पे हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ों की फसलें उगाई जाती हैं जैसे पीच एप्पल, मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं है कि अभी फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, बट पूरा हरा ही हरा होता है, हरियाली होती है चारों तरफ। शायद मेरा एक और ब्लॉग आएगा जिसमें मेरे मामा जी आए थे, उसको हम दिखा कर आए थे। तो बहुत ही नज़ारेदार, बहुत ही मज़ेदार। ये हम दिखाइए बैग लेके आए हैं साथ में, इसमें चाय कॉफी सारा कुछ साथ में है। शिवांश कैसा लगा पुत्र? पीछे आ जा बेटे, गिर मत जा। चलो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अब ऊपर से नज़ारा और बढ़िया दिखेगा। चलो गाइस, मेरी बहुत ज्यादा है। अगर आपको आई एम रियली सॉरी अगर विंड ब्लास्ट आ रहा होगा तो मैं माफ चाहता हूँ, लेकिन आपको चेक करता हूँ। सी ये नीचे जो है ये सारे वाइन यार्ड्स हैं, इसके या को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ये सामने आप जो लेक देख रहे हैं ये है ओकानागन लेक। ये है अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर लंबी, ये पूरे कलोना तक जाती है। अभी हम वहाँ से कहीं से नीचे से आए हैं, वहाँ से वो नीचे से काफ़ी दूर है और अभी जा रहे हैं वहाँ पे। इस पॉइंट पे अभी हम जाना है हमें, ने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, यहाँ पे बैठे थे ये दोनों मम्मी मामा और बेटा, थक गए थे। अभी डांस कर रहे हैं लेकिन थक गए थे। और ये देखिए ये सामने है पेंटिकटन शहर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। फर्स्ट डे जो है बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन ये चल रही है। मैं यहाँ पे गाना नहीं डाल सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं और भी अच्छे व्यू। चेक कीजिए ये क्लाउड्स हैं या पहाड़ है या क्या है मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन व्यू भाई एक नंबर, एक नंबर व्यू है। मस्त, ऐसी जगह पे आना वर्थ है। मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई जब आएंगे तो उनको लेके मैं एक बार यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं अकेला नहीं हूँ घूमने के लिए, मेरी वाइफ और मेरा बेटा साथ में है। मैं यहाँ पर 10 महीने से बैठा हूँ जैसे मैंने बताया था, लेकिन घूमा कहीं नहीं हूँ, कोई लेके नहीं गया कहीं पर घूमने के लिए और किसी के पास टाइम नहीं है। यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है सबकी, लेकिन अभी हमें जो भी 2 छुट्टियाँ हुआ करेंगी वीक की, उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। और हमारे चैनल पे आप बने रहना प्लीज़। हेलो जी, हम पहुँच गए पीक पे। हम आए कहीं, ये खड़ी है गाड़ी, इसके साथ ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है सामने, ये रही, वहाँ से हम आए हैं। ये देखिए मैं कितना ऊपर आ गया, ये देखिए नज़ारा। अब ये एक और नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए, इट्स अ प्योर हेवन। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ बैठे हुए थे अभी 10 मिनट पहले, ये सामने और उससे भी नीचे वो जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे थे।
और अभी यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यू कैन वेल इमेजिन यहाँ पे कितना ही जबरदस्त नज़ारा और बहुत ही अच्छा व्यू। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत अच्छे बहुत अच्छी आपको लोकेशन एक्सप्लोर करके और कमेंट करके जरूर। माहौल बहुत अच्छा लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप सबको, अगर आप यहाँ पे आएँ, ये है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें एक शहर है पेंटिक्टन, ओकानागन वैली में, ओकानागन लेक के पास बचा हुआ। ये वर्ल्ड में सिर्फ दो या तीन ही शहर ऐसे हैं जो दो लेक्स के बीच में बने हुए हैं। यहाँ पे एक तरफ है स्काहा लेक, दूसरी तरफ है ओकानागन लेक, उसके बीच में ये शहर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। ये मेरी वाइफ है, इसको हेलीकॉप्टर बचपन से देखने की बहुत आदत है, अभी भी मेरे को हेलीकॉप्टर दिखा रही है, हेलीकॉप्टर जा रहा। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और चीज, अगर यहाँ पे आए तो कॉशन जरूर बरतिएगा, ये लिखा हुआ है, पॉज करके आप लोग प्लीज पढ़ लेना। हाँ जी, कैसे लगा? हाँ जी, कैसे लगा भाई? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ये देखिए मेरे पीछे का नजारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक बारी लंदन से निकल रहे हैं और अभी आपको एक नई लोकेशन पे लेके चलते हैं। फॉल्स जगह का नाम है, बट यहाँ पे मेरे को किसी से पूछा था तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फॉल्स हैं, तो इस साइड आप जा सकते हैं जिसको नरामता फॉल्स कहते हैं या नहीं, आई डोंट। एक्सप्लोर करने के लिए कनाडा में बहुत कुछ है, लेकिन आप ये ट्रेल है, थोड़ा जंगल है आसपास, डियर। पॉज करके आप पढ़ सकते, फटाफट आओ। ठीक, ये सामने ट्रेल है यहाँ। Falling fast, sipping near praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always happy.